कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो पुलिस के द्वारा 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके साथ ही जो इनके कुछ साथी हैं वो फरार हैं। एलविस यादव अभी फरार हैं। एलविस यादव के लिए भी पुलिस की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। हेलो गाइस, मैं हूं खबरेज। आज हम बात करने वाले एलविस यादव के बारे में। एलविस यादव के अगेंस्ट में बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि एलविस यादव को कभी भी नोएडा पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। वेल गाइस, एलविस यादव के ऐसे 5 दोस्तों को या फिर उनके जान पहचान वालों को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर दिया है और एलविस यादव के खिलाफ में भी FIR दर्ज हो चुकी है। उनको भी पुलिस वाले ढूंढ ही रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी को अरेस्ट क्यों किया और पुलिस वाले इनको क्यों ढूंढ रहे हैं एलविस यादव को? हुआ ये था कि ऐसी खबर आ रही है कि नोएडा के वन विभाग वाले एक छापा मारा जिसमें एलविस यादव के पहचानने वाले 5 लोग, उनके पास में से 5 कोबरा, एक पाइथन मिला, एक 2 मुंह वाला सांप मिला है और एक रेड स्नेक मिला है। उनके पास 20 ml जहर भी मिला। ऐसी खबर आ रही है ये लोग सांपों की घेर तस्करी करा करते थे और सांपों का जहर भी बेचा करते थे। इस मामलों में करीब 7 लोगों के ऊपर FIR हो चुकी है जिसमें से 5 लोग तो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इसके अंदर एलविस यादव का भी नाम है पर वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं।